वीडियो अपलोड करने का फुल डिटेल्स। गाइज अब जब आप नए यूट्यूबर होते हैं तो बहुत सारा वीडियो अपलोड करने के बाद भी व्यू नहीं बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता है दोस्तों? आप वीडियो अपलोड करते समय कुछ बातों को गलती करते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं, जिस वजह से आपका व्यू नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल्स के साथ एक एक स्टेप करके अपलोड करना बताऊँगा। तो वीडियो बिना स्किप किए ही वीडियो को देखते रहें। मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं डीजी किशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहां पर YouTube अपना ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों राइट साइड में आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल है, इसमें हम कर लेंगे इंटर। इंटर करने के बाद अपलोड वीडियो। दोस्तों एक एक स्टेप को ध्यान में रखें। सिलेक्ट फाइल कर देता हूँ। सिलेक्ट फाइल करने के बाद मुझे जाना है ऐप में और यहाँ से मैं अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो वीडियो मुझे अपलोड करना है। सिलेक्ट कर लिया। टाइटल है फ्रेंड्स, जो वीडियो को टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल यहाँ पर दे दे। इसके बाद दोस्तों आता है डिस्क्रिप्शन। यही सबसे ज़रूरी बातें होता है ध्यान में रखना कि आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रहे हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिख कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं डिस्क्रिप्शन लिख लिया हूँ, उसे मैं एक अपने नोटपैड में सेव करके रखा हुआ हूँ। तो मैं उसे नोटपैड से यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखना हम दोस्तों बता देंगे, पहले मैं यहाँ से लिख के रखा हूँ वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे हो गया, ये मैं पहले से लिख रखा हूँ। इसे हम कर लेंगे कंट्रोल प्लस ए से ऑल सिलेक्ट और कंट्रोल सी पर कॉपी और इसे मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थंबनेल लगा देंगे। दोस्तों एक थंबनेल, जो थंबनेल आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो थंबनेल यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ से एक थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे थंबनेल लगा दिया। थंबनेल देने के बाद दोस्तों आपका आता है प्लेलिस्ट। अगर आप प्लेलिस्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए मैं प्लेलिस्ट फिलहाल छोड़ देता हूँ। उसके बाद चलेंगे यहाँ पर, आपका यहाँ पर है दिस वीडियो मेड फॉर किड, क्या किड के लिए वीडियो बना हुआ है? तो येस, अगर बना हुआ है तो येस कर देंगे, अगर नहीं बनाया तो नो कर देंगे। तो मैं कर दूँगा नो, ये किड के लिए नहीं बना हुआ है। उसके बाद चलेंगे मोर ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। मोर ऑप्शन के बाद हम चलेंगे थोड़ा नीचे स्लैश करते हैं। यहाँ पर दिया है पेड परमिशन, यहाँ पर छोड़ देंगे टैग्स। दोस्तों टैग्स ही लिखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके वजह से ही आपके व्यू नहीं होता है। अगर आप टैग्स में नहीं लिखेंगे तो आपके वीडियो व्यू नहीं आएगा, क्योंकि टैग्स का मतलब ये होता है कि जो यूट्यूब बंदा चलाता है वो सर्च करेगा क्या, इसलिए इसको हम टैग्स को बोल सकते हैं कि सर्च, यानी कि जो क्या सर्च कर सकता है इस वीडियो देखने के लिए। कोई भी अगर YouTube पे ये वीडियो देखना चाहता है तो क्या सर्च कर सकता है, तो यही यहाँ पर लिखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है टैग्स। तो हम यहाँ पर टैग्स लिख देते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों उसके बाद हम कॉमा देंगे, जिसके वजह से जो भी लिख देंगे उसके बाद कॉमा देते चलेंगे। फ्रेंड्स टैग्स की यहाँ पे 500 लीटर आता है, तो ये इसे 500 लीटर बिल्कुल खाली ना छोड़े, पूरा भर ही दे, जितनी सर्च आ सके उतना कर दे, क्योंकि इसे छोड़ेंगे क्योंकि 500 दिया हुआ है। तो उसका दोस्तों यहाँ पर
आप चाहे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का डेट दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। मैं रिकॉर्डिंग का डेट फिलहाल दे देता हूँ, आप चाहे तो दे भी सके या नहीं भी दे सके। अगर लोकेशन देना है, अगर लोकेशन देना चाहते तो दे, इंडिया दे देता हूँ मैं इंडिया दे देता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पे चलेंगे लाइसेंस की बात, तो लाइसेंस में आप दे सकते हैं CC या SL। वीडियो अपलोड डाउनलोड करने का ऑप्शन रहे तो यहाँ पर CC कर दें, अगर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दें, स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस। तो मैं यहाँ पर CC कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे YouTube वीडियो कोई डाउनलोड करे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी देना है, किस कैटेगरी का वीडियो बनाया है, किस कैटेगरी का होना चाहिए। तो मेरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपका दोस्त कोई और है तो कोई और सिलेक्ट कर ले। गेमिंग हो गया, पीपल ब्लॉग्स हो गया, कॉमेडी हो गया, तो मेरा ये साइंस और टेक्नोलॉजी हो गया, क्योंकि मैंने एक बार सिलेक्ट कर लिया, ये भी हमेशा आएगा। उसके बाद दोस्तों हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों आप सेव और पब्लिश, यानी प्राइवेट करना चाहते हैं, अनलिस्टेड करना चाहिए या पब्लिक करना चाहते हैं। प्राइवेट का मतलब दोस्तों आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अनलिस्ट का मतलब दोस्तों वो भी प्राइवेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक फीचर्स एक्स्ट्रा होता है, ये होता है कि आप इस वीडियो को किसी के शेयर भी कर सकते हैं किसी को। पब्लिक का मतलब सारे देखेंगे, तो मैं इसे फिलहाल पब्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कर देता हूँ मैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद दोस्तों ये अभी 81% अपलोड हुआ है, तो इसे मैं 100 तक होने दूंगा। क्या ये 100% अपलोडेड हो गया, थोड़े से वेट कर लेंगे। हाँ, ये प्रोसेस है, 0% है, इसे 100% तक होने देंगे। ये समय लगा रहा है, फिर भी हो ही गया, 9 तक तो हो चुका है। फ्रेंड से मेरा अपलोड हो चुका है, तो ऐसे ही आप भी अपलोड करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।